गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज का वीडियो स्पेशली मेरी हर उस टीन एज गर्ल के लिए, हर उस 20 to 30, 30 to 40, 40 to 60 हर महिला के लिए जो है जरूरी वीडियो है। बिकॉज आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका मोस्टली मैं बोलूँ 80% लोग गलत साइज़ के पहनते हैं। इट मीन्स कि आज मैं आपको किस तरह से आप अपना ब्रा का साइज़ मेजरमेंट करें, किस तरह से आप अपना कप साइज़ मेजरमेंट करें, मोस्टली 80% वुमेंस इसको गलत तरीके से पहनती हैं। बिकॉज उन्हें पता ही नहीं होता कि हम किस तरह से अपने कप साइज़ या फिर अपना जो है ब्रा का साइज़ मेजरमेंट करें। तो आज का वीडियो स्पेशली विद डेमो मैं आप लोग के साथ शो यहाँ पे दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से आपको अपना ब्रा साइज़ और कप साइज़ मेजरमेंट करना है। ब्रा पहनना आई थिंक हम महिलाओं के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि हम खाना खाते हैं। और मैं सही बताऊँ, अगर आपने सही साइज़ की ब्रा नहीं पहनी ना तो आगे चलकर आपको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अगर आप गलत साइज़ की ब्रा पहनती हैं ना तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लुक जो है पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा और साथ ही साथ इसका आपके स्वास्थ्य पर भी बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। और मैं बोलूँ ना 80% महिलाएँ गलत तरह की ब्रा मतलब गलत साइज़ की ब्रा पहनती हैं बिकॉज उन्हें पता ही नहीं होता है कि किस तरह से ब्रा साइज़ मेजरमेंट करना है या हमें कौन सा ब्रा पहननी। एक बात बताऊँ बहुत कॉमन सी कि अगर आप सही साइज़ की ब्रा पहन आपका बॉडी पॉस्चर बहुत सही रहता है। और ब्रा खरीदते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि एक तो ब्रा टाइट ना हो और ना ही आपको सांस लेने में कभी भी दिक्कत। हर किसी की चाहत होती है कि वो कॉन्फिडेंट दिखे और उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा। महिलाओं की बात की जाए तो उनके आउटफिट्स ही नहीं उनके अंडरगार्मेंट्स भी, विशेषकर जो उनके ब्रा है वो कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व और उनकी पूरी पर्सनालिटी को जो है बहुत अच्छे से डिफाइन करती है। सही साइज़ की ब्रा पहनना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आप डेली रूटीन काम करते हैं। बिकॉज अगर आपने सही साइज़ की ब्रा नहीं पहनी तो एक तो आपके लुक पूरी तरह से कहीं कोई लुक आएगा ही नहीं बॉडी पे और साथ ही साथ इसका आपकी बॉडी मतलब आपके स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा। बहुत सारी महिलाएं जो हैं गलत साइज़ की ब्रा पहनती हैं बिकॉज उन्हें पता ही नहीं होता है कि हमारे लिए कौन सा साइज़ बेटर है या हम किस साइज़ की ब्रा पहने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए जानते हैं कि हमें किस तरह की और कैसी कितनी कंफर्टेबल और कौन सा साइज़ की ब्रा आपने पहननी चाहिए। अगर आप सही साइज़ की ब्रा पहनती हैं तो आपको बहुत ही आरामदायक यानी कंफर्टेबल फीलिंग आए। सेकेंड पॉइंट है कि आपका कॉन्फिडेंट लेवल बहुत बढ़ेगा। एक रिसर्च में पाया गया है कि जो महिलाएँ सही साइज़ की ब्रा पहनती हैं वो अपने आप को ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करती हैं और अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से। तीसरा और सबसे मेन टॉपिक, ब्रा पहनने से आपके स्तनों को जो है एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है जिससे कि वो बहुत ही मतलब आपकी एज से पहले वो बिल्कुल भी जो है ढीले नहीं होते हैं। इसलिए ब्रा पहनना और सही साइज़ के ब्रा पहनना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपका बॉडी पॉस्चर बहुत सही रहता है यानी अगर आप सही साइज़ की ब्रा पहनेंगी तो आपका बॉडी पॉस्चर सही रहेगा और आगे चल के आपके स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी दिक्कतें हैं उनको आइए आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपको अपना ब्रा का मेजरमेंट लेना है और साथ ही साथ किस तरह से आपको अपने कप साइज़ का मेजरमेंट लेना। सो यहाँ पे इसलिए मैं बोला कि मैं आपको विद डैमो सारी चीज़ें यहाँ पे करके दिखाऊंगी ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हों। बिकॉज एक बल्बरी बताना और सारी चीज़ें डेमो करके देने में दोनों बहुत डिफरेंस होता है। तो जस्ट लाइक मैं फर्स्ट जैसे कि मान लीजिए नॉर्मल एक एग्जांपल के तौर पे आपका जो ब्रा का साइज़ मान लीजिए आप नॉर्मली अभी पहनते हैं 28, 30, 32, 34, 36 कोई भी साइज़ से मान लीजिए आप ब्रा पहनते हैं। एक चीज़ बहुत ही आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूँ कि जो भी आप इस समय ब्रा पहन रहे हैं जस्ट लाइक 28, 30, 32, 34 वो यहाँ का साइज़ होता है जिसे पसलियाँ जहाँ जस्ट लाइक यहाँ पसलियाँ होती हैं जिसे हम बैंड साइज़ बोलते हैं। तो ये इस जगह का आप उस जगह का जो है अपना नॉर्मली साइज़ जो हम सबका होता है हम सब जानते हैं वो यहाँ का साइज़ होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस यानी अपनी ब्रा का साइज़ जानने के लिए आपको अपनी पसलियों के पास से जस्ट लाइक एक नॉर्मल मैं आपको जो है आइडिया ब्रा साइज़ नापने के लिए एक ब्रा लेंगे और अपने पसलियों के पास की जगह को मेजरमेंट करेंगे यानी पसलियों की जगह के नाप जिसे हम बैंड साइज बोलते हैं इस जगह का नाप लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने नाप ले लिया है जस्ट लाइक हम जैसे इसका एक नाप लेके चलते हैं मान लीजिए 29 ठीक है इन यहाँ का बैंड साइज हमारा 29 आया है तो हम उसमें 8 प्लस करेंगे यानी कि 30 आएगा। जस्ट लाइक 30 बनाया है तो हम 32 कर लेंगे यानी 8 प्लस करना है जितना भी हमारा बैंड साइज़ का नाप आएगा। अब बात आती है कप साइज़ नापने की। तो कप साइज़ नापने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए हमने इसका जो है
30 माना, ये साइज बैंड साइज हमने इसका 30 मान लिया। और फिर उसके बाद हम अपना कप साइज यहाँ से नापेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए इसका यहाँ पे 30 आया है और ये हमारा 32 आया है, तो डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस आया है। 2 का डिफरेंस इस मीन कि हमारा जो कप साइज है वो बी है, 30 बी। सेम इसी तरह मान लीजिए हमारा बैंड साइज यहाँ का साइज 32 आया है और यहाँ का हमारा 33 आया है, तो हमारा क्या होगा, 32 सी। जितना डिफरेंस आएगा उतना हम बढ़ते जाएंगे। अगर एक का डिफरेंस आया है तो ए, बी, दो का डिफरेंस आया है तो बी, सी का, तीन का डिफरेंस आया है तो सी, चार का डिफरेंस आया है तो चार। जस्ट लाइक इसी तरह से हम अपना कप साइज एंड बैंड साइज दोनों में ही डिफरेंस करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपना बैंड साइज नापना है, बैंड साइज नापने के बाद उसमें हमें एक प्लस करना है, देन उसके बाद हमें अपना कप साइज नापना है, कप साइज में इन दोनों यानी कि कप साइज और बैंड साइज में जितना डिफरेंस आए उसमें माइनस करके जो डिफरेंस आ रहा है उसको आप कप साइज मान लीजिए। एक का, वन का डिफरेंस आ रहा है तो ए, ए, ए आएगा, दो का डिफरेंस आ रहा है तो बी, तीन का डिफरेंस आ रहा है तो सी, चार का डिफरेंस आ रहा है तो डी। आई होप कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। सो फ्रेंड्स, देखा किस तरह से आपको अपना ब्रा साइज और कप साइज लेना है। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, लेकिन अगर फिर भी आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, बीइंग ब्यूटीफुल सुगम करके मेरी आईडी है। आप मुझे नीचे भी मैसेज कर सकते हैं और साथ ही साथ मेरा हेल्थ से रिलेटेड जो चैनल है बीइंग ब्यूटीफुल उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, सबका लिंक मैंने नीचे दे दिया है। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल बहुत ज़्यादा पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए